सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के बारे में, जो कि पहला टी20 मैच खेला जाएगा 3 अगस्त 2019 को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच, जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। वही वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं इसके लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, कि आप लाइव कैसे देखें इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले सारे ही मैचेस अपने टीवी चैनल से और मोबाइल फोन पे। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सबसे पहले 3 टी20, उसके बाद 3 ODI और आखिर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी भारतीय टीम के वेस्ट इंडीज दौरे पर। अगर हम बात करें तो जहां टी20 सीरीज के लिए 20 जाए भारतीय टीम के स्क्वाड पहले अनाउंस कर चुकी थी, जहां टीम में कई जबरदस्त यंग खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, तो वहीं टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया था, यानी कि उन्हें आराम दिया गया था। तो वहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी पहले और दूसरे टी20 मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंडिया के खिलाफ, जहां टीम में करण पोलार्ड और सुनील नारायण जैसे कई जबरदस्त धाकड़ खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। तो वहीं टीम में क्रिस गेल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है टीम में इंडिया के खिलाफ। अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहला टी20 मैच 3 अगस्त 2019 को खेला जाएगा, जो कि यह मैच फ्लोरिडा के लाउड रिली स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 8 PM से। अब अगर हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में, कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा स्कोर करेगी। वहीं से भी खास बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो खेलो, जीतो और पैसे कमाओ। अब दोस्तों, अगर हम बात करें टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में पहले टी20 मैच के लिए, तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा। तो इसके बाद नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि ये वर्ल्ड कप के बीच में इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते ये पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे और अब भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है वेस्ट इंडीज दौरे के लिए। ऐसे में शिखर धवन और रोहित शर्मा करने वाले हैं ओपनिंग के बल्लेबाजी एक बार फिर से। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, दारन मशीन टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन। वहीं इसके बाद नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर, जो कि ये 100% कंफर्म है कि ये खेलेंगे पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर 2 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जो कि नंबर 1 पर मनीष पांडे। वहीं इसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है केएल राहुल का। अगर केएल राहुल इस मैच में खेलेंगे तो नंबर 4 की बल्लेबाजी करेंगे। वहीं अगर मनीष पांडे खेलते हैं इस मैच में तो नंबर 5 की ही बल्लेबाजी करेंगे। अगर बात कीजिए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं इसके बाद नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा, टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर। अगर बात कीजिए नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे करुणाल पांड्या, टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर, जो कि ये भी स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात कीजिए नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, टीम इंडिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे खलील अहमद, टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे नवदीप सैनी। तो गाइस, यदि भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11, जो कि लगभग 100% यही 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब अगर हम बात करें इसके लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, कि आप लाइव कैसे देखें अपने टीवी चैनल और मोबाइल फोन पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले सारे ही मैचेस, तो आप टीवी चैनल्स पर जो कि सोनी नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं, जो कि सोनी 6 या फिर सोनी 6 HD टीवी चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं। तो वहीं आप अपने मोबाइल फोन में जो कि सोनी लिव मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपना राय जरूर दें आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी पहला टी20 मैच और वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए।